Hello, my name is Amandeep Singh. In this video, we are going to discuss some basic concepts on geometry. So, geometry के basic शुरुआत कहाँ से होती है वो समझते हैं. ये जो लेक्चर है ये एप्टीट्यूड के हिसाब से बनाया गया है, ना कि क्लास 10th या क्लास 9th के बच्चों के लिए. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली ज्योमेट्री मीन्स. ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ, या मेजरमेंट ऑफ अर्थ सिंपली बोल सकते हैं. सो ज्योमेट्री की शुरुआत होती है सबसे पहले तो पॉइंट से. पॉइंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट स्पेस जो हम सरफेस पे दिखा सकते हैं, राइट. उसके बाद में आता है लाइन. लाइन का मतलब होता है अगर ये पॉइंट सारे कंबाइन होते हैं दोनों तरफ और बढ़ते जाते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन. उसके बाद में एक आता है, इसको हम बोलते हैं रे. रे का मतलब होता है वन पॉइंट इज फिक्स और किसी एक डायरेक्शन में सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, दैट इज रे. और उसके बाद में आता है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. सो व्हाट एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है दो एंड पॉइंट है और इसके बीच में जितने पॉइंट आए सबको ज्वाइन कर दिया, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट, राइट. क्लियरली मालूम है यहाँ पे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. सो नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका और कोई लेंथ नहीं है इसकी. नो स्पेसिफिक लेंथ, कोई इसकी स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, नाप नहीं सकते इसमें, राइट. यहाँ पे अगर बात करें इसका वन एंड पॉइंट है, सो वन एंड पॉइंट. बट यहाँ पर भी क्या है, इसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है, नो स्पेसिफिक लेंथ. और यहाँ अगर बात की जाए सो इसके टू एंड पॉइंट्स हैं, टू एंड पॉइंट्स. और यहाँ पे इसकी क्या है, स्पेसिफिक लेंथ है, यहाँ पे इसको लेंथ को नाप सकते हैं, राइट. इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है. आगे बात करते हैं. सबसे फर्स्ट अगर आप मुझे इतना बताइए, अगर एक प्लेन है, प्लेन मतलब सरफेस, एक प्लेन में अगर मान लेते हैं अगर आप दो लाइनें ड्रॉ करते हो. सो अगर एक सरफेस है, एक सरफेस पे अगर आप दो लाइनें ड्रॉ करते हो, अच्छा उससे पहले हम और समझते हैं कि सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट ये दिया हुआ है और इस पॉइंट से एक रे जा रही है इस तरफ, एक रे जा रही है इस तरफ. तो बोल सकते हैं अगर दो रे सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, इसका मतलब है इसके बीच में क्या बन रहा है, इनके बीच में एंगल बन रहा है, राइट. एंगल को मेजर किस में करते हैं हम? एंगल को मेजर करते हैं डिग्री के अंदर. एंड बेस्ड ऑन डिग्री या एंगल जो होते हैं ये क्लासीफाई होते हैं अलग अलग कैटेगरी में. सबसे पहले एक आता है, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. उसके बाद में एक आता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट. देन आपने नाम सुना होगा ऑब्ट्यूस एंगल. देन उसके बाद में नाम आता है स्ट्रेट एंगल, राइट. देन अगर बात करें एक आता है रिफ्लेक्स एंगल. एंड देन लास्ट में आपका आता है कंप्लीट एंगल. और भी नाम है, समझते हैं फिलहाल अपन कंप्लीट एंगल. सो व्हाट इज एग्जैक्टली एक्यूट एंगल? इज एक्यूट एंगल का मतलब होता है जब एंगल की वैल्यू 90 से छोटी होती है तो एक्यूट बोलते हैं. राइट का मतलब होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री. ऑब्ट्यूस का मतलब होता है 90 से बड़ा होगा. स्ट्रेट का मतलब होता है एंगल एग्जैक्टली 180 होगा, स्ट्रेट लाइन बनता होगा यहाँ पे, राइट. रिफ्लेक्स का मतलब होगा एंगल की वैल्यू 180 से 360 के बीच में है. और कंप्लीट एंगल का मतलब होता है एंगल कितना है, 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री. एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज कि अगर एक्यूट एंगल है तो कैसे दिखेगा, ऑब्ट्यूस कैसे दिखेगा वो समझते हैं. पता ही है आपको, बट क्विकली अगर हम बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं एक बार. दिस समथिंग लाइक एक्यूट एंगल, राइट. ये आपका एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटा है. फिर अगर बात करें राइट एंगल, राइट एंगल ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ आएगा. देन अगर बात करें ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस में ऐसा कुछ होगा, यह एंगल जो होगा 90 से बड़ा होगा. स्ट्रेट तो हमने देखा था, स्ट्रेट लाइन बनने वाली है. रिफ्लेक्स का मतलब होगा ये वाला एंगल, राइट. यूजुअली हम एंगल को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, इसलिए ये वाला एंगल जो होगा ये रिफ्लेक्स होगा. हो सकता है यहां से मेजर करें तो ये एंगल 120 आए, तो यहां से कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 120 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 240. तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 240 डिग्री. कंप्लीट का बात करें तो रे एक के ऊपर एक होगी, राइट. तो एंगल जो होगा या तो बोल सकते हैं 0 डिग्री है, या बोल सकते हैं एंगल कितना है, 360 डिग्री, राइट. तो ये बेसिक एंगल्स के नाम होंगे. उसके बाद में दो नाम आते हैं, इसको हम समझते हैं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं. इसको दो टाइप के एंगल होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और एक आपका आता है, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री दो टाइप के एंगल होते हैं. अगर ऐसे दो एंगल जिनका समीशन 90 बनता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड अगर मान लेते हैं दो एंगल ऐसे हैं जिनको ऐड करने पे 180 आता है, सो दीज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल, राइट. सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका समीशन 180 आएगा. सो अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि बताइए 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 50. क्योंकि कौन सा एंगल ऐसा है जिसको ऐड करेंगे 40 में तो 90 आ जाएगा,
वो निकालने के लिए 90 में से 40 माइनस कर दिया, तो बताइए 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 60, राइट। और x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस x, याद रखना है आपको। फिर अगर सप्लीमेंट्री की बात करें, बोला बताइए 40 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो वो आ जाएगा 140। बोला बताइए 30 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो वो आ जाएगा 150। कोई बोलता है x का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो हम इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना पड़ा तो बोल सकते हैं 180 माइनस एक्स, ये आपका होगा सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप दैट्स ओके, राइट। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये एंगल्स होता है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा बोला हुआ है एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो बताइए एंगल की वैल्यू क्या है। फिर एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ है, तो बताइए एंगल क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली 90/2 कर देते हैं और 90/2 करके बोलते हैं आंसर यही है, जो गलत है। 90/3 आंसर है, एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री का आधा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। अगर एंगल एक्स है तो पहले वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो सपोज अगर मान लेते हैं, अगर आपका एंगल एक्स था, तो बताइए उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने का तरीका बताया था, 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 90 माइनस एक्स। सो एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ है, तो हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज 1/2 ऑफ समथिंग। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x इज 90 माइनस एक्स, 3x इज 90 और x इज 30, राइट। ये भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर एक एंगल x है तो दूसरा वाला होगा x बाय 2 या फिर 2x, है ना, हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का हाफ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका हाफ दिख रहा है ये। सो डायरेक्टली आपको मिल गया 3x की वैल्यू 90, x का वैल्यू 30, ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। सो दीज आर बेसिक अबाउट लाइन क्या होता है, रे क्या होती है, एंगल्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, यहाँ पे इस चीज को जब एंगल स्ट्रेट बनता है, इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर अगर बोला जाए, इसका मतलब यही है कि एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो क्विकली बात करते हैं। सबसे पहले तो कि अगर हम बात करें, एक लाइन दी हुई है, तो लाइन के यहाँ पे कितना एंगल होता है, लाइन के एक तरफ एंगल होता है 180, और अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट के हमें बोला हुआ है कि इसके आसपास पूरा कितना एंगल होगा, तो पूरा कितना एंगल होगा, पूरा एंगल होगा 360 डिग्री, राइट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। अच्छा, फिर याद रखना, अगर हम कोई बोलता है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी कौन होता है, जिसमें घर की दीवार कॉमन होती है। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये कॉमन वर्टेक्स पर है, यस। क्या इनके बीच में कॉमन रे है, यस। सो ऐसा एंगल जो कॉमन वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स पर है और एक उनके बीच में एक रे कॉमन है, और अनकॉमन आर्म जो है वो दोनों एक इस तरफ होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। एग्जाम्पल ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अड़ोसी पड़ोसी एक के बाद एक आ रहा है, राइट। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जब एडजेसेंट का समीशन 180 बनता है, तो बोल सकते हैं तब क्या बनेगा, तब ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। आई होप दैट्स ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट रूल ऑफ, इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ज्योमेट्री। अगर एक प्लेन है और एक प्लेन में अगर आपको दो लाइनें दी हुई है, सो अगर दो लाइनें दी है, अगर दो लाइनें कट करती है, अगर आपको दो लाइनें दी हुई है और अगर दो लाइनें प्लेन में कट करती है, सो व्हाट यू गेट, आपको मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट तो एक ही मिलेगा आपको, मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको कितने एंगल मिलेंगे, आपको एंगल मिलेंगे यहाँ पर टोटल मिला के 4, राइट। तो आपको 4 एंगल मिलेंगे, एक ये एंगल मिलेगा एंगल 1, एक ये एंगल मिलेगा एंगल 2, एक ये एंगल मिलेगा एंगल 3, और एक ये एंगल मिलेगा एंगल 4, ये 4 एंगल मिलेंगे। अब रूल कहता है, इसको हम बोलते हैं VOA, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। VOA कहीं भी लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करता है। दे आर इक्वल, एंगल 1 जो होगा ना बच्चों, वो एंगल 3 के बराबर होगा। सो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होता है, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होता है। इसके प्रूफ में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 के होता है, ये सब प्रूफ 9th क्लास में आते हैं। सो ये सब देखना है तो मेरे 9th क्लास की वीडियो चेक करो,
ये कैट सीमैट के वीडियो किसी काम नहीं आएंगे फिलहाल, वहां पे रूल काम का नहीं है कि आया, थ्योरम की प्रूफ काम की नहीं है, यहाँ पे काम का क्या है, रूल क्या है, राइट? सो ये याद रखना है हमको कि जब दो लाइनें कट करती है हमें पॉइंट मिलता है और चार एंगल मिलते हैं, इसमें वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। मतलब अगर ऐसा बोला जाए कि अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल आपको दिया हुआ लेट से 140, और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, बोला बताइए क्या वैल्यूज होंगी। तो पहली बात तो ये मालूम पड़ गया बी का वैल्यू 140 होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकल या अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। और ये कैसे निकालेंगे, इस दिख रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये समीशन कितना बनना चाहिए दोनों का, समीशन बनना चाहिए 180। सो एक्स प्लस 140 आना चाहिए 180, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, राइट? परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। फिर बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल इज बेस्ड ऑन अगर लाइनें कभी कट नहीं करती हैं, अगर दो लाइनें ऐसी हैं जो कभी कट नहीं करती, सो इफ टू लाइन आर सच दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन यू एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, दे विल नॉट क्रॉस, दीज लाइन आर नोन एज व्हाट, दीज लाइन आर नोन एज पैरेलल लाइंस। सो दोज लाइन व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन यू एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी इज नोन एज पैरेलल लाइन, आर नोन एज पैरेलल लाइन, राइट? तो अगर एक लाइन एल है और एक एम है, तरीका होता लिखने का एल पैरेलल टू एम, ऐसा लिखते हैं, राइट? सो लाइंस आर पैरेलल, आई होप दैट्स ओके। ऐसा भी बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कभी बढ़ता घटता नहीं है, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, राइट? इसका मतलब है लाइनें कभी ना कभी आगे कट करेंगी, या फिर अगर डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये डिस्टेंस देखो बढ़ते जा रहा है ना, तो लाइन पक्का कट कर कर आई है। सो दोज लाइन आर पैरेलल व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर व्हेन एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी एंड द लाइन मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। आप उनको पहले ड्रॉ कर पाओ, सेम प्लेन में होनी चाहिए, राइट? ऑलराइट, सो इसमें हम रूल समझते हैं। रूल कहता है कि अगर मान लेते हैं दो लाइनें दी है आपको पैरेलल और एक थर्ड लाइन दी है जो इसको कट करती है, एनी लाइन इंटरसेक्टिंग टू अदर लाइन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज ट्रांसवर्सल। इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, कोई भी लाइन जो दो लाइनों को कट करती है इसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्सल। अब आप मुझे इतना बताइए, अगर ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे कितने एंगल बनेंगे, यहाँ बनेंगे चार एंगल, एक दो तीन और चार, यहाँ चार मिलेंगे, पांच छ सात आठ, टोटल आठ एंगल है। तो पहली बात तो ये इनका नाम दे देते हैं अपन, ये आपका हो गया एंगल वन, ये आपका हो गया एंगल टू, ये आपका हो गया एंगल थ्री, ये आपका हो गया एंगल फोर, ये हो गया एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट। फर्स्ट थिंग हमको इतना मालूम है, एंगल वन जो होगा वो एंगल थ्री के बराबर होगा, एंगल टू जो होगा एंगल फोर के बराबर होगा, एंगल फाइव जो होगा एंगल सेवन के बराबर होगा, एंगल सिक्स जो होगा वो एंगल एट के बराबर होगा। ये सभी एंगल बराबर क्यों होंगे, बाय यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, वीओए की प्रॉपर्टी से, राइट? फिर अगर आगे बात करें, एंगल वन जो होगा वो एंगल फाइव के बराबर होगा, ये नया रूल है अपने लिए, है ना, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ये एक्सियोम है ना, इसको प्रूफ नहीं करते, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से या एज अ रूल लिया गया है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर पैरेलल लाइन का एक सेट है, ट्रांसवर्सल एक के साथ जिस तरफ जो एंगल बनाएगी, दूसरी लाइन के साथ उसी तरफ सेम एंगल बनाएगी। मतलब अगर ये लाइन दी होती, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड लेफ्ट में, सॉरी राइट साइड बॉटम में, तो राइट साइड ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया, ये वाला, और बॉटम मतलब ये, तो इधर भी ये वाला एंगल सेम ही होगा, इनको करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड अपवर्ड, तो अपवर्ड ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड अपवर्ड, ये एंगल बराबर होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। सो एंगल वन एंगल फाइव के बराबर होगा, एंगल टू एंगल सिक्स के बराबर होगा, एंगल थ्री एंगल सेवन के बराबर होगा, और एंगल फोर जो होगा वो एंगल एट के बराबर होगा। दीज आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? सो अब आप मुझे इतना बताइए, वन और थ्री बराबर है और वन और फाइव बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि फिर तो आपस में बराबर होंगे, राइट? ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या लिखा है, वन इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पे क्या है, वन इक्वल टू फाइव। सो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल थ्री जो होगा वो एंगल फाइव के बराबर होगा, सो ये एंगल थ्री जो है वो एंगल फाइव के बराबर हो गया, राइट? सिमिलरली एंगल फोर जो होगा, एंगल फोर एंगल सिक्स के बराबर होगा, राइट? यहाँ देखो, एंगल टू एंगल फोर के बराबर और एंगल टू एंगल सिक्स के बराबर, तो एंगल फोर जो होगा वो एंगल सिक्स के बराबर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं
alternate interior angles. Alternate क्यों, interior क्यों? क्योंकि देखो interior इसलिए because जो 8 angle हैं इसमें से ये exterior angles हैं और ये वाले angle interior angles हैं. alternate क्यों? क्योंकि एक transversal के left में और एक transversal के right में है, इसलिए इसको बोलते हैं alternate. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर बराबर होते हैं तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी बराबर होंगे. तो क्विकली फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है इसमें से कौन कौन सा एंगल हम फिर से लिख सकते हैं वो हम समझ लेते हैं. ठीक है, सो ये आपकी लाइनें दी हुई है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, राइट, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8. एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा. ये सब होगा बिकॉज ऑफ VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, राइट, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा. ये क्यों हो गया? ये होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग, राइट. फिर जहां पे जेड बनता है इसको बोलते हैं अपन ऑल्टरनेट इंटीरियर. सो जेड कैसे बन रहा, दिख रहा है ये वाला जेड? कि अगर हम बात करें लेट्स से जेड की, तो ये दिख रहा है आपको जेड बन रहा है ऐसा? सॉरी, ये जेड बन रहा है यहाँ पे ऐसा. सो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के. अब जेड ऐसा बने, जेड चाहे ऐसा बने, जेड चाहे ऐसा बने या जेड चाहे ऐसा बने, एंगल बराबर होंगे. सो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा. ये क्यों होगा? दीज आर इक्वल बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आई होप दैट्स ओके.